तो अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पेड़ा लेके इसको अच्छी तरीके से बेल के और इसको गोल शेप में बेल लिया है और बीच में से हमने इसको हाफ़ कर दिया है। अब हम इसमें अपनी फिलिंग इस तरह ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हम इसका मैंने इसका हाफ़ पार्ट ले लिया है। इसको लेने के बाद जो है हम दोनों साइड्स को इस तरह अपने हाथ में पकड़ लेंगे। इस ये जो खुला वाला साइड है वो इस तरफ रहेगा, जो बंद वाला साइड है वो इस तरफ रखूँगी मैं। अच्छा, यहाँ से मैंने हाथ से थोड़ा दबा के ये अंदर कर दिया है। बाकी हिस्से पे हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे अटैच हो गया है। अब इसमें जो है वो हम फिलिंग भर लेंगे। जो हमने आपके सामने तैयार की है इसमें फिलिंग ऐड कर लेंगे। फिलिंग हम इसमें डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग हमने इसमें ऐड कर ली है। फिलिंग डालने के बाद हमने इस हिस्से को इस तरह यहाँ पे रख लेना है और इस हिस्से को इस तरह हाथ से पकड़ के और बाकी हिस्से को हमने इस तरह दबा देना है। और अगर सही तरीके से ये ना हो तो आपने इसमें हल्का सा पानी इसमें लगा लेना है। तो ये देखिए हमारी ये बन के इस तरह तैयार है। अगर आपको ये हिस्सा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें इस हिस्से को अच्छी तरीके से यहाँ पे बंद कर लेंगे पानी के साथ ही। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम कर लिया था। ऊपर नीचे दोनों साइड से समोसे को फ्राई कर लेंगे। इसको हरी चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। हरी चटनी को आप थोड़ा सा मज़ीद पतला कर लें। वो चटनी भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने चैनल पे। यहाँ पे ये हम इसको गोल्डन कलर में फ्राई कर देंगे। इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा आँच हम तेज़ कर लेते हैं। जी, तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हाफिज़।